सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मंदसौर जिले के दौरे पर पहुंचे, जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के लिए बुधवार अंतिम दिन है। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर जिले में मंगलवार को बीजेपी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सुवासरा बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के लिए जनता का समर्थन मांगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मंदसौर विधानसभा के दलौदा कृषि मंडी में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया का चुनाव प्रचार किया और जनता से बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांगा। लॉ कॉलेज कहीं भी मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ तो बिना किसी जाति के भेद के, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, कोई हो, बच्चों में कोई भेद नहीं। भांजे भांजे में क्या भेद करेंगे, सब मेरे। इनकी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की चाहे 14-15 लाख रुपया साल हो, वो माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवा के देगा। मामा बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। और एक बात और, हर परिवार में एक रोजगार, यह हमारा संकल्प है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हाँ बेटा, मैं आके मिलूंगा तुझसे, अभी बात पूरी कर लूं फिर बात करूंगा, मेरे भांजे बुला रहे हैं। सुनो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। अब मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, तो आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा, ताकि बेरोजगारी के कारण किसी परिवार की आजीविका समाप्त ना हो। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा, चूल्हे में घी में आके नहीं छोड़ूंगी। अब बिजली के बिल जो गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के बड़े बड़े बिल आए हैं, वो मैं अब भरवाऊंगा। तुम्हारे पास 100 रुपया महीने का बिल आएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।